डेढ़ साल से बेटे के लाश के साथ रह रहा था पूरा परिवार, सुनकर होश उड़ जाएगा। यूपी के कानपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कानपुर में छपेड़ा पुलिया स्थित शिवपुरी इलाके के एक परिवार का बेटा इनकम टैक्स अधिकारी विमलेश की कोरोना की दूसरी लहर में 22 अप्रैल 2021 को मौत हो गई थी। 23 अप्रैल की सुबह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई, तब अचानक परिवारजनों ने यह कहकर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया कि विमलेश को होश आ गया है। हाथ में ऑक्सीमीटर लगाया तो पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल आने लगा। परिवार को भरोसा था कि विमलेश मरा नहीं बल्कि कोमा में चला गया है। हालांकि डॉक्टर ने डेढ़ साल पहले ही उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। परिवारजन विमलेश के शव को डेढ़ साल तक घर में रखा क्योंकि वो विमलेश को जिंदा मान रहे थे। पूरा परिवार 18 महीनों तक उसके साथ सोता रहा, यही नहीं कि सेवा करता रहा। हर रोज कपड़े और बिस्तर बदलते, मालिश करते और डेटॉल से साफ सफाई करते। परिवार में 10 से ज्यादा लोग थे जो उसे बीमार समझ रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब आयकर विभाग की टीम विमलेश के घर पहुंची। दरअसल विमलेश 18 महीनों से ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे तो आयकर विभाग की टीम उनकी तलाश करते हुए उनके घर पहुंची। वहां टीम ने जो देखा तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। विमलेश की लाश मम्मी जैसी बन चुकी थी।